हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं वेज मेयोनीज़ चीज़ सैंडविच। इसमें हम मेयोनीज़ और चीज़ दोनों को ही यूज़ करेंगे। ये कुछ इस तरीके का बनेगा जो आपके बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगने वाला है और आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी है सैंडविच बनाने के लिए। फर्स्टली मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल्स ली है। ये मैंने बंद गोभी ली है, ये शिमला मिर्च, ये गाजर, इसको मैंने ग्रेट किया है, खीरा, प्याज, टमाटर, इन सभी वेजिटेबल्स को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। टमाटो सॉस जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, मेयोनीज़ ये भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है, घी या बटर आप कुछ भी ले सकते हैं, ये काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब और नमक, दो ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और ये चीज़ आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मैंने स्लाइस चीज़ लिया है। ये देखिए, मैं पहले एक बोल लूँगी, उसमें थोड़ा बंद गोभी डालूँगी। हम सारी वेजिटेबल्स लेंगे, ये शिमला मिर्च ली है मैंने, एक खीरा डालेंगे हम, थोड़ी प्याज, बारीक कटा टमाटर और ये ग्रेट करी हुई गाजर, ये हमने वेजिटेबल्स ले ली है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, ये हम नमक डालेंगे, ये मिक्स्ड हर्ब, मिक्स्ड हर्ब का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, ये काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। मिर्ची ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, क्योंकि बच्चों को तीखा पसंद नहीं होता इसलिए। और इसमें हम मेयोनीज़ डालेंगे, अब मेयोनीज़ डालेंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है जो बच्चों के लिए हेल्दी होती है, मेयोनीज़ है तो ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये हमने स्टफिंग को हम मिक्स कर लेंगे सबको। ये देखिए, अब ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है जो हमें ब्रेड में लगानी है। अब हम अपनी ब्रेड ले लेंगे, हम एक ब्रेड पे सॉस लगाएंगे। आप कोई भी चटनी ले सकते हैं, आप हरी चटनी ले सकते हैं जो पुदीने और धनिए की बनी होती है। हम यहाँ पे अभी टमाटो सॉस ले रहे हैं, मेरे बच्चों को तो टमाटो सॉस बहुत पसंद है। और दूसरी ब्रेड पे हम घी लगा लेंगे, घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं आप। मैं घी ले रही हूँ तो मैं घी लगा रही हूँ, अच्छे से लगा देंगे घी। अब एक ब्रेड पे हम जो हमने स्टफिंग बनाई है उसको हम अच्छे से फिल कर लेंगे। ये हम ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं तो ये अच्छे से भर भर के लगाइए, जिससे बच्चे के पेट में कुछ वेजिटेबल्स जाएं। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने लगा दिया है। अब हम एक तरफ पैन या तवा कुछ भी हम गरम करने रख देंगे ताकि हम उस पर सैंडविच सेक सकें। ये देखिए हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ लगाएंगे, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप ग्रेटेड चीज़ ले सकते हैं या मोज़रेला चीज़, या ये मैंने स्लाइस चीज़ को छोटा छोटा करके इसमें ब्रेड पे लगाया है। अब हम दूसरी ब्रेड को भी इस पर रख देंगे, इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे और एक तरफ हम इसके घी लगा देंगे। हम जिस तरफ घी लगाएंगे हमें पहले उसी तरफ तवे पे रखकर सेकना है, इस साइड घी लगा है, हम इसे तवे पे ऐसे रख देंगे, रखकर इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे ताकि ये बाद में खुले ना, ऐसे हम प्रेस कर देंगे इसको। दूसरी साइड भी हम इस पे घी लगा देंगे ताकि ये हम इस साइड से भी इसको सेकें तो इस पे अच्छी क्रिस्पीनेस आए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम पलट देंगे, ये एक तरफ से सिक चुका है और ये किस तरीके से क्रिस्पी हुआ है ये आप देख रहे होंगे। हम अपने बच्चों को ये कभी दूध के साथ भी दे सकते हैं, चाहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दें, चाहे हम शाम के नाश्ते में भी बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, दोनों साइड से कितना क्रिस्पी हो गया है
और ये तैयार है। हम इसको बीच में से कट करके सैंडविच की शेप दे देंगे। ये देखिए, ये बहुत पसंद आता है बच्चों को, बनाइए अपने बच्चों के लिए। ये तैयार हो चुका है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा बना है, ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा।